करनाल के सांसद संजय भाटिया ने शुक्रवार को मीरा घाटी चौक पर करनाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के सौंदर्यकरण को लेकर 2,22,00,000 रुपए की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच नारियल फोड़कर भूमि पूजन किया। उसके बाद भाजपा के जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ राजीव मेहता भी थे। बता दें कि देश के चुने हुए शहरों को स्मार्ट बनाने की सूची में कुछ समय पहले करनाल का भी चयन हुआ था। इस प्रोजेक्ट के तहत मुख्यतः एरिया बेस्ड डेवलपमेंट और पेन सिटी के कार्य किए जाने हैं, जिसके लिए शहर की मुगल कैनाल फेज 2 तथा रेलवे रोड व ओल्ड बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्र की लोकेशन पर काम होने हैं। लेकिन शहर को स्मार्ट बनाने के लिए इसमें स्मार्ट रोड जैसे प्रोजेक्ट को भी शामिल किया गया है। इसी के तहत आज सांसद ने नवल्टी रोड सौंदर्यकरण व पुनर्निर्माण का कार्य तथा नेकी की दीवार के निर्माण कार्य की विविध शुरुआत की है। देखिए रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी में जो एक स्मार्ट रोड का शुभारंभ आज ये जो हुआ है, हम सब साथी कार्यकर्ता और कमिश्नर यहाँ पर होते हैं। मैंने सारे प्रोजेक्ट को देखा है। लगभग 2.25 करोड़ की लागत से, 2,12,00,000 की लागत से ये बनने वाला है, और जिसको वाकई में ही कहेंगे एक सैंपल रोड होगी कि स्मार्ट सिटी में किस प्रकार की सड़कें होनी चाहिए। उसी प्लान के साथ उन्होंने इसको किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत है और स्मार्ट सिटी की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और पूरा सिटी स्मार्ट होगा, इसके लिए हम प्रयास करें। सर, दिल्ली में जो है बीजेपी के मुताबिक चुनाव के नतीजे नहीं आए, समीक्षा बैठक भी हुई है, क्या समीक्षा बैठक दिल्ली की प्रदेश टीम ने करी होगी? मैं तो उस समीक्षा बैठक में नहीं था, मैं दिल्ली कैंट की एक विधानसभा के अंदर था। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदर्शन को सुधारा है। बहुत ज़्यादा सीटें, 1,000 और 1,000 से कम और लगभग 2,000 के मार्जिन से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आ रही है, नेक टू नेक फाइट रही है। लेकिन एक विडम्बना कह लीजिए, और राजनीति में आज लोगों ने बीजेपी वर्सेस आल होकर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा। कांग्रेस का तो सारा समर्थन ही आप पार्टी को चला गया था, अन्य दलों ने भी आप पार्टी को समर्थन किया ये चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन बहुत बेहतर किया, पहले से बेहतर किया। सर, करनाल वोट वोट परसेंटेज के हिसाब से। सर, करनाल में स्मार्ट सिटी के तहत सड़कें तो बनाई जाती है, तोड़ दी जाती है, तो ये सड़क का क्या रहेगा सर? सारी की सारी सड़कें तोड़ दी जाती है, ये गलत है। कोई सड़क अगर बनती है और वो टाइम पूरा होने से पहले तोड़ दी जाती है तो गलत है। इसके लिए हम एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करेंगे, कौन सा काम पहले होना चाहिए, पाइपलाइन पहले डलनी चाहिए, सीवरेज पहले डलना चाहिए और रोड बाद में होनी चाहिए, तो एक नोडल ऑफिसर एक ही का विकास कार्य के लिए तय हो जाएगा, फिर इस तरह की बातें नहीं। टाइम पीरियड सर इसका कुछ रखा जाएगा? हाँ, टाइम पीरियड 100%। टाइम पीरियड के बिना तो आप कोई भी विकास कार्य है अगर वो समयबद्ध नहीं है तो विकास का मतलब ही नहीं रह जाता, कोई मायने नहीं रह जाते विकास के। सर, JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।